मेरा आज निकाह का ड्रेस आ जाएगा, मतलब मेरे निकाह का नहीं, आप ही के निकाह का जो मैंने पहने। आर यू सीरियस? सारा कुछ मैंने पकड़ा, वो पानी की बोतल भी, खाना भी, मोबाइल भी। हाँ, ये राबिया पहनेगी इस दफा आप ही के निकाह को, फिर हम राबिया का निकाह पढ़ा दें। आओ दुल्हनिया इनसे मिलो जी, ये है घर की। मैं वो जो किसी से नहीं डरती। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. आज की अच्छी बात ये कि लोगों की खुशियों के साथ साथ अपनी खुशी का भी ख्याल रखें, मतलब अपना ख्याल रखें। आज के वीडियो में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि आज मैं अभी जो निकाह का इवेंट आ रहा है उसका जो ड्रेस है वो फाइनल करने जा रही हूँ। लाइक ठीक है, मैं अपनी खुशी नहीं बता सकती आपको, सारी चीजें मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। अभी मैं फ्रेश होने लगी हूँ, फ्रेश होते हैं मामा को पकड़ते हैं, राबा को पकड़ते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन वगैरह भी करवानी है और एक दो ड्रेसेस ट्राई करने हैं, सो हर चीज़ देख के आपको बताते हैं। सो लेट्स गो। तो भाई सब चीज़ों से पहले मेकअप वगैरह जो भी मैंने करना है उन सब चीज़ों से पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। तो सोच रही हूँ कि आज आप लोगों के साथ भी वो चीज़ शेयर कर दूँ कि लाइक मैं किससे मूड होती हूँ या मैं सुबह उठते साथ क्या मॉर्निंग रिचुअल है मेरा जो मैं करती हूँ, सो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। गाइस, तो ये मैं मैक के दो फेस वॉश हैं, ये यूज़ करती हूँ। उन्हें हैरान नहीं होना जी, दोनों ही यूज़ करती हूँ एक साथ, क्योंकि ये बेस्ट कॉम्बो है फॉर एक्ने। और क्योंकि आपको पता है जब भी कोई इवेंट आने वाला होता है ना तो पिंपल टक करके मुंह पे आ जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा खास ख्याल रख रही हूँ। ये एक्ने क्लीन वाला फेस वॉश अभी यूज़ करूँगी मैं, बल्कि काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ ये व्हाइटनिंग, इससे आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। तो भाई यूज़ करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इनका एक्चुअल रिजल्ट क्या है, लाइक आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ एक्ने वाला। इससे क्या होता है, मेरे सारे जितने भी एक्ने स्पॉट्स हैं, यहाँ पे एक दो माह पहले ना यहाँ पे पिंपल आ गए थे और यहाँ पे बहुत बुरे स्पॉट आ गए थे, तो ये इससे क्लियर हो गए थे। तो अभी सबसे पहले मैं ये यूज करूँगी। तो मेरी स्किन ना बहुत अच्छी फॉर्मिंग बनती है, एक वाव। हालांकि मैंने इतना सा लिया, अब हम इसको पानी में जाएंगे। सबसे पहले पानी नहीं खुला छोड़ा, और अब मैं इसको साथ ऐसे करके अपने फेस पर मसाज करती हूँ लाइक कोई 30 to 1 minute, मर्जी है जितना आप हंस दे जाएगा। तो भाई मैंने अपना फर्स्ट फेस वॉश पर अच्छे से रब कर लिया, मैं इसको अपना जो पहला फेस वॉश था मैंने लगा लिया। इससे क्या हुआ, मेरे स्किन का जितना भी यहाँ पे मेरे फेस पे जितना भी मेरे पोर्स में गंदगी थी या ऑयल था वो सारा ड्राई हो गया है। ये बेस्ट है अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रॉन स्किन है, ये प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को एक्ने से। अब मैं यूज करने वाली हूँ दूसरा फेस वॉश भी। आप ये नहीं कहना मेरा पागल हो गया, मुहित हो जाती है। बेसिकली ये ना कॉम्बो है, एक्ने से बचाता है और ये ग्लोइंग इफेक्ट देता है। तो भाई मैं मोस्टली दोनों को इकट्ठा यूज करती हूँ। अब मैं ये वाला यूज करने लगी हूँ, थोड़ा सा लिया, इसकी भी फॉर्मिंग बहुत अच्छी करती है। ओके गाइस, तो मैंने अब अपना व्हाइटनिंग वाला लगा लिया, ये इंस्टेंट ग्लो देता है, आपके पोर्स को अच्छे तरीके से क्लीन करता है। और अब हम इसको भी वॉश कर लेंगे। वीडियो बनाने के चक्कर में ना ये मेरे आँख में जा रहा है, चला गया। मैं हमेशा फेस वॉश करती हूँ, मैंने जब भी मेकअप करना होता है, जब भी जाना होता है, ताकि आपके फेस की जितनी भी डर्ट है ना, गंदगी है, वो निकल जाए। सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। दिस इज द बेस्ट रिचुअल जो मैं हर मॉर्निंग उठ के इनसे फेस वॉश करती हूँ। ये मैक के फेस वॉशेज आए, आप लोग भी ट्राई करें। इसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, कमेंट में लिंक पिन करूँगी, आपने जाके ज़रूर परचेज करना है, ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको ये कैसे लगे, मुझे आपने ये रिव्यू ज़रूर शेयर करना है। सो अब चलते हैं अपने ड्रेस लेने की तरफ, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम पहले मेकअप करते हैं। सो मेरा फेस ड्राई होने के बाद कुछ ये रिजल्ट आया है, नो मेकअप, नो फिल्टर और नो चिपचिपापन। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, और बेसिकली चिपचिपापन से एक्ने होती है। सो अब हम लोग करने लगे हैं मेकअप स्लाइटली सा, क्योंकि हम किसी के वलीमे पे नहीं जा रहे हैं, लाइट सा मेकअप करेंगे और हम नो मेकअप लुक रख के अपने ड्रेस के लिए चलेंगे। सो अभी हम लोग रेडी होते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओके गाइस, तो जो मेरी नो मेकअप लुक थी ना वो आधी अधूरी। नो मेकअप लुक क्या है, कब से रग रही जा रही है अपने नाक को? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और मैंने कहीं जाने नहीं छोड़ के आओ। तो वो इसने क्या किया है, मैडम ने मुझे कहा कि मुझे छोड़ के आओ, तो मैं अपने जो बाल है वो आके बनाऊंगी, तब तक मामा आप भी रेडी हो जाए, तू भी रेडी हो जा, तुमने भी जाना है। रेडी, मैं विदाउट मेकअप जाऊंगी आज ना, मैं विदाउट मेकअप ही चले जाऊंगी। So guys, हम चलते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा आज निकाह का ड्रेस आ जाएगा, मतलब मेरे निकाह का नहीं, आप ही के निकाह का जो मैंने पहने। चल निकल 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 निकल। तो भैया अब हम छोड़ने जा रहे हैं इस आदमी को। छोड़ने के बाद फिर मैं
मिलता यार। मैं आज एक चीज नोट कर रही थी। अल्लाह हाफिज़। खूब एंजॉय करना गाइस, बाय बाय। हम घर के लिए निकलते हैं। मैं आपको छोड़ के आने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ घर। अब तैयार करते हैं इनको और लेके ओके गाइस। तो मैंने फटाफट से अपने बालों को खुद ही सही जैसा तैसा भी हुआ ब्लोंड ट्राई कर लिया है। मैडम जो है यहाँ पे बैठी हुई है, राबिया ने बालों का किया है, बड़े शौकी बन रही है एकदम से। ब्लोंड ट्राई किया, अच्छा लग रहा है ना? ब्यूटीफुल, चिट्टी चिट्टी भी लग रही है, वाइट वाइट। ये सब फेस वॉश का कमाल है। सो चलो चले, इतना फेस वॉश दूंगी यूज करना। ये देखो मैं गिर बालों को कैसे करूं, प्लीज करो। ओ राबिया पहले भी शक्ल कुत्ते जैसी थी, अब भी वैसी। यहाँ पे मेरी अम्मा भी रेडी होके खड़ी हुई हैं। मम्मी आपने लिपस्टिक कौन से कलर की लगाई है? ब्लैक। या की सोच के लाई सी है? अच्छी लगी, मैंने लगा ली। क्या कर रही हो? देखो बिल्कुल मेकअप नहीं करते, लिपस्टिक लगा लियो तो मेकअप हो गया। देखो लिपस्टिक तो दिखा दो। ओए मुझे वो वाला टिंट दो जो मैं लगाती हूँ, माई मोस्ट फेवरेट टिंट जो मैंने अभी भी लगाया हुआ है। तो इनको निकालो, पानी पीने का मुश्किल काम है, जल्दी निकलो। ये क्या है, किस लिए? मुझे लगा कह रही हूँ बच्चों के लिए रखूंगी, मेरा डाइट प्लान। बच्चे बड़े हो गए सो अब हम लोग निकल रहे हैं, फटाफट करेंगे हम लोग। ऑलरेडी बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बच्चे बन जाते हैं, माँ बाप बच्चे बन जाते हैं, फिर माँ बाप का ख्याल रखना पड़ता है। आर यू सीरियस? बाकी चलो यहाँ से इसको लेके जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। सारा कुछ मैंने पकड़ा हुआ, पानी की बोतल भी, खाना भी, मोबाइल भी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं ये कहना, अपना डाइट का सामान अपने लिए पकड़ा हुआ है, अब इसमें बच्चों को क्यों घसीट रही है? बच्चे तो बड़े हो गए हैं, बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। एक बात सुनिए, अम्मा का ड्रेस आ गया भाई, मेरी माँ का ड्रेस आ गया, हमारा नहीं आया यार। क्या अन्याय है, क्या अन्याय, वही देखने जा रहे हैं। आई होप सो के सिलेक्शन हो जाए, पसंद आ जाए, अपनी खुशी नहीं बता सकती। और बस राबिया व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, अपने मेरे बाप की गाड़ी है। हाँ तुम कह भी सकती हो मेरे बाप की गाड़ी है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ऐसे मुझे यही कहना चाहिए, टांगे के ऊपर क्या तुम्हारे बाप की गाड़ी है? Yes, it's my father's car. नहीं फादर्स नहीं अच्छा लगता, मेरे बाप की है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम लोग चलते हैं, लेट्स गो। पहुंच तो हम गए हैं लेकिन पता नहीं कौन सी गलत जगह पे पहुंच गए हैं, कि कोई मोहल्ला टाइप बहुत ही तंग गलियों में मैंने अपनी गाड़ी घुसा ली है, लेकिन अब वो हमें पिक करने के लिए आ रहे हैं। आई होप सो कि अब हम सही जगह पे पहुंच जाएं। फाइनली अब प्यारी लड़कियां अपने ड्रेसेस देके जा रही है, जाना है किधर? वैसे मुझे लग रहा है मैं आपकी के लिए लेके चलती हूं। हां ये राबिया पहनेगी इस दफा आपके निकाह पे, अभी हम राबिया का निकाह पड़ा दें इस ड्रेस के साथ। अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सा चूज करें। से पिंक वाला भी अच्छा है, बट आई थिंक हमारा जो थीम है वो ये पिंक वाला नहीं है, बट देखते हैं। लेट्स सी, आप भी ड्रेसेस ट्राई कर रही हैं, इसके हाँ कर लो, ये वाला भी कर लेना। तो इन लोगों ने यहाँ पे खाना पीना खा लिया है, बट मुझे एक ड्रेस अच्छा लगा है, मैं भी वो ट्राई करने जा रही हूँ, और ट्राई करके फिर इनके रिएक्शंस देखती हूँ। तुमने बताना है, ठीक है? ठीक है मम्मा, लगूंगी। तुम भी प्यारी लगोगी, मैं भी लगूंगी, अल्लाह करे सभी प्यारे लगे इस दफा। ठीक है चलो गाइस, मैं तो आपको फाइनल बता दूं, मैंने वो वाला पहन, ये वाला राबिया पहन रही है, डन। ठीक है डन। ओके सो ब्यूटी आ रही है, वाह यार ये कलर मुझे लग रहा है कि नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पार्टी ड्रेस लग रहा है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ निकाह, बट है प्यारा। एक और है, वो थोड़ा हैवी ज्यादा है, जाओ पहन के। वाह जाओ जाओ, वाह दीदी वाह दीदी, यार ऐसे अच्छा लग रहा है पहन सकते, बट थोड़ा ज्यादा हैवी नहीं है? अगर क्या मेरा वलीमा होता तो यार मैं लाजमी पहनती, बट थोड़ा सा ज्यादा काम आपकी को पहनना चाहिए। अगर मैं होती तो पहन लेती, क्योंकि मेरा तो काम है। अपने आप को आलिया भाट समझते हुए, हीरा पे एक दिन कोई हीरा पे कॉम्प्लीमेंट दूं आपको, एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट, राबे फैसल जैसी लग रही हो। ओए ये बुरी बात थी वैसे। ज़्यादा नहीं हो गया? जी ज़्यादा हो गया। I can't believe कि ये सारा काम 7 days में। काम दिखाती हूँ आप लोगों को, वाह 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 वाह। यही है कि यार मतलब मैं अकेली बनाने बैठ रही हूँ, मुझे एक साल लग जाए। एक लोग नहीं ना बनाते, ज्यादा लोग बनाते हैं। फिर भी यार कोई भी ब्रांड लाइक महीना तो मांगता है। दुपट्टा लो पीछे से करके बहुओं की तरह। तुम्हारे जी क्या अच्छा आओ नहीं मैं गाती मैं गाती आओ दुल्हनिया इनसे मिलो जी, ये है घर की छोटी साली, घर पे चलता ही निकाराज, ये है घर के महाराज। ये वाले चीज बहुत ट्रेंड में है, मैं आपको लाओ सेट करती हूँ, टेंशन नहीं लेने का आप। उन्हें ना मुझे लग रहा है ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये ब्राइडल शॉवर के लिए नहीं बनाया।
रब्या ने इस तरह का ड्रेस पहना हुआ कैसे ही वाला उसकी तरह घूम के दिखाओ मैं हूँ किसी से नहीं डरती जाओ चेंज करने लगी। उसके बाद में एक स्पेशल ड्रेस अपना जो मैंने कस्टमाइज रेडी कराया था मैं वो ट्राई करती हूँ क्योंकि उसको साइज का मेजरमेंट होने गया था तो अब मैं उसके बाद वो ट्राई करूँगी और अगर तो वो फाइनल हो गया आज तो आज मैं अपना ड्रेस लेके जाने वाली हूँ। अल्लाह करे जाओ 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 फिर आप इधर खाने बिजी है ड्रेस सिलेक्ट करो खाने ना खाओ। अच्छा सिलेक्ट हो गया मेजरमेंट ले लिए कौन सा फाइनल दिखाया नहीं लोगों को निकाह पे दिखाओ अपने निकाह पे नहीं आप ही के निकाह वाइट से कलर के तो ये बाकी जो मैंने ट्राई किए थे वो वाइट थे। हाँ ये सारे दूसरे थे और फिर आप इस दफा वाइट पहन रही हो मैंने लास्ट टाइम भी वाइट पहन बाल क्या बना रही हो सीक्रेट है नहीं बताना यार बाल नॉर्मली बाल बनाने अच्छा सा तैयार होना है बस। ओके गाइस सो मेरा जो ड्रेस था मैंने ट्राई कर लिया बहुत 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 ज़्यादा प्यारा था और अभी हम लोग निकलेंगे मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ। दिस इज़ माय ड्रेस दिखाओ पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी हो रही दिखाओ। है अपना ड्रेस को ऐसे जैसे मेरा ना कोई बॉयफ्रेंड होता है दिखाओ ड्रेस मैं क्यों दिखाऊँ पागल हो सब निकाह वाले दिन देखने गए आपने निकाह ढेर सारी तारीफें करनी है सच में मुझे ना इतनी खुशी हो रही है अपना नीचे सारा काम हो रहा है मेरा भी ड्रेस ऐसे ही रेडी हुआ था ये वाला और ये फ्रंट पे किसी ब्राइड का रेड कलर का लहंगा था वो रेडी हो रहा है। ओके गाइस तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए बाकी की चीज़ें आपको साथ साथ चल के दिखाते हैं। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मेरा ड्रेस गाड़ी में ही पड़ा है आई थिंक अभी निकाला नहीं है तो अभी मैं सबको गुड न्यूज़ देती हूँ कि मेरा फाइनली ड्रेस आ गया है। सो आज की गुड न्यूज़ ये है कि मेरा जोड़ा जो मैंने निकाह के इवेंट पर पहना है वो आ गया है फिर दिखाऊंगी निकाह वाले दिन देखना। ओके गाइस तो इस टाइम ड्रेस मेरे हाथ में है और मैंने अभी किसी को नहीं दिखाया बल्कि आपको भी नहीं दिखाया और गाइस मेरा निकाह का ड्रेस आ गया पता है अभी किसी का भी नहीं आया अभी आपकी भी ट्राई करने गई हुई है पहले इसका हाँ इनका भी फाइनल हुआ मेरा आ गया तो अभी मेरा सिर्फ इनको दिखाती हूँ आपको बाद में दिखाऊंगी तो रिएक्शन देखना है मुझे थोड़ा सा अच्छा ओके गाइस सबको ड्रेस दिखा दी है अब हम इस ड्रेस को किसी सेफ जगह पे रखने जा रहे हैं ताकि मेरे ड्रेस को किसी की नजर ना लगे ड्रेस को यहाँ पे नीनी करा दिया नाराज नहीं होना मैं तुम्हें बहुत जल्द आके यहीं से उठा के लेके जाऊँगी ठीक है। तो भाई आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था अभी सिर्फ ड्रेस आया ज्वेलरी रहती है मेरे शूज़ रहते हैं और क्या रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो सबसे पहले तो मैं अब मेकअप रिमूव करती हूँ मुंह धोती हूँ और टाइम है फ्रेश होने का सात दरवाजे पार करके चलते हैं और यहाँ पे फिर से मैं अपने फेवरेट कॉम्बो के साथ फेस वॉश करूँ मेरा फेवरेट कॉम्बो है मैक के फेस वॉशेस। ओके गाइस तो अब मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और फाइनली मेरी थोड़ी सी आंखें खुली हैं सो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा मुझसे ज़्यादा इस टाइम खुश कोई नहीं होगा क्योंकि मेरा ड्रेस आ चुका है मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो चुकी है लेकिन अभी भी बहुत सारी तैयारियाँ करना रहती हैं सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन क्योंकि जो भी मेरी एंटरटेनिंग वीडियो आएगी आपको फौरन से पता चल जाएगा सो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो शेयर करो सो बाय बाय।